फेरे सॉन्ग के बाद गदर टू के तीसरे गाने के लिए भी हो जाइए तैयार। ये गाना होने वाला है सबसे बेस्ट। गदर टू फिल्म के डायरेक्टर अनिल शर्मा ने अब गदर टू फिल्म से धीरे धीरे सब कुछ रिलीज करना शुरू कर दिया है। बता दें कि सबसे पहले तो ये फिल्म से पोस्टर रिलीज हुआ था, जिनमें सनी देओल हाथ में हथौड़ा लिए नजर आए थे। फिर सोशल मीडिया पर फैंस लगा फिल्म के टीजर को लेकर रिक्वेस्ट करते रहे थे, और इसके बाद अनिल शर्मा ने ये फिल्म का टीजर रिलीज किया। टीजर में सनी देओल का अवतार देख हर कोई दंग रह गया था। हालांकि फिल्म का टीजर इतना लंबा नहीं था, लेकिन जितना भी था फैंस के एक्साइटमेंट बढ़ाने के लिए काफी था। ये कम था जो अनिल शर्मा ने ये फिल्म से दो गाने भी रिलीज कर दिए। जी हाँ, पहला गाना आया था उर्जा काले कावा, और ये गाना गदर टू फिल्म में भी हमें देखने को मिला था। वो गाने का नया वर्जन गदर टू में लिया गया है, और ये गाने की सबसे खास बात ये थी कि इस गाने में वही सिंगर को लिया गया जो ओरिजिनल गाने में था, इसलिए ये गाना खराब नहीं हुआ बल्कि और भी बेहतर हुआ, और आप गाना सुनेंगे तो आपको बेहद ही पसंद आएगा। और इसके बाद रिलीज हुआ दूसरा गाना खैरियत। खैरियत सॉन्ग हालांकि नया सॉन्ग है, और आपको ये गाना भी बेहद ही पसंद आएगा, क्योंकि गाने में अरिजीत सिंह की आवाज है और मिथुन का म्यूजिक है। गाना थोड़ा सैड सॉन्ग है, लेकिन आपको बेहद पसंद आएगा। लेकिन अब बारी है ये फिल्म के तीसरे गाने की, जो कि सबसे एनर्जेटिक सॉन्ग रहने वाला है, और ये गाना होगा मैं निकला गड्डी लेके। जी आपने बिल्कुल सही सुना, गदर फिल्म के उस पॉपुलर गाने का भी नया वर्जन हमें गदर 2 में देखने को मिलेगा, लेकिन इस बार थोड़ा सा हमें चेंजेस नजर आएगा। गदर फिल्म में इस गाने पर हमें सनी देओल नजर आए थे, और इस बार इस गाने में सनी देओल यानी कि तारा सी के बेटे नजर आएंगे, जो कि उत्कर्ष शर्मा रोल निभा रहे हैं। उत्कर्ष शर्मा मैं निकला गड्डी लेके गाने पे परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे, और इस गाने में हमें सनी देओल की भी झलक देखने को मिलेगी, इसलिए ये गाना अपने आप में ही एक खास सॉन्ग माना जाएगा। तो दोस्तों आप हो जाइए तैयार, गदर 2 का तीसरा गाना इस महीने के आखिर में आने वाला है। आप कितने एक्साइटेड इस गाने को लेकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये न्यूज़ पसंद आई है तो उसे लाइक